subscribe my channel Disclose for Human and press the bell icon to get the notification of my new uploaded video. Hello nation, this is Sujit Kundu and welcome you guys to my channel Disclose for Human. So guys, आज का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है वो इंडियन नेवी से रिक्रूटमेंट निकला है, जिसमें आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन में रिक्रूट किया जाएगा, मतलब 10 साल के लिए, जिसमें अनमैरिड मेन एंड वुमेन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 22 एंड द एलिजिबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज बी और बी टेक। और गाइस, एक बहुत ही अच्छा खबर है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में है, मतलब जो स्टूडेंट्स 2019 में पास आउट होने वाले हैं, वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मेरे वेबसाइट पे जाके इस रिक्रूटमेंट के बारे में पूरा डिटेल्स में जान लेते। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये मैं अपना वेबसाइट पे आ गया, तो जैसे कि आई विल गिव द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से डायरेक्ट मेरे वेबसाइट पे आ सकते हैं। मेरे वेबसाइट पे आकर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इस पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर एकदम फास्ट में ही देख सकते हैं आप लोग इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट, क्योंकि मैं अभी अपडेट किया हूँ और इस पेज में सब आपका रिक्रूटमेंट के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए इस रिक्रूटमेंट के बारे में रीड मोर करके पूरा डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था, ये रिक्रूटमेंट इंडियन नेवी से है। तो इंडियन नेवी से जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, उसमें आपका पोस्ट दिया है पायलट ऑब्जर्वर एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो लेट्स मैक्सिमाइज इट एंड रीड इट थ्रूली। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो चलिए आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो एट फर्स्ट देखिए, ये आपका अनमैरिड, सिर्फ अनमैरिड मेन एंड वुमेन एलिजिबल है। और जो पोस्ट नेम है वो पायलट ऑब्जर्वर एटीसी, मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ये देखिए इधर ऊपर लिखा हुआ है एटीसी, मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो यहाँ पर जो कोर्स शुरू होगा, मतलब ये जो स्टार्ट होगा, ये जून 2019 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, एकदम एक साल के अंदर ही हो जाता है इसका रिक्रूटमेंट। उसके बाद आपका ट्रेनिंग होगा, मगर रिक्रूटमेंट, जो इनिशियल रिक्रूटमेंट होता है, वो जून 2019 से ही हो जाएगा। तो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो जो लोग इंजीनियरिंग पास कर चुके और जो लोग इंजीनियरिंग पास कर चुके हो फ्रॉम द AICT रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और जो लोग आपका फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, इधर देखिए लिखा हुआ है फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स, तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मगर उन लोगों को 60% मार्क्स होना चाहिए टिल फिफ्थ और सेवन्थ सेमिस्टर। तो ये एक क्राइटेरिया है। और ATC, मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आपको 10 और 12 में 60% होना चाहिए, एंड इंग्लिश में इन क्लास 12 आपको 60% होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बोला था कि ये SSB है, मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन, इसका जो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, इधर ही है। तो अभी देख लेते हैं पोस्ट वाइज आपका एज क्राइटेरिया एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो ATC, मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इसके लिए आपको, अगर आपका बर्थ डेट 2 जुलाई 1994 से लेकर 1 जुलाई 1998 के अंदर है, मतलब वो 1 जुलाई 1998 में भी होगा, देख जैसे कि इधर लिखा हुआ है डेट्स इंक्लूसिव बोथ डेट्स, तो इसके अंदर अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 8, और मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जर्वर के लिए जो डेट है 2 जुलाई 1995 से लेके 1 जुलाई 2000। नंबर ऑफ वैकेंसीज 6, मेल और फीमेल बोथ कैन अप्लाई। पायलट के लिए बिटवीन 2 जुलाई 1995 टू 1 जुलाई 2000। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 3, मेल एंड फीमेल बोथ एप्लीकेबल, पायलट अदर देन MR। तो इसके लिए आपको 2 जुलाई 1995 और 1 जुलाई 2000 इन डेट के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी 5, इसके लिए ओनली मेल्स कैंडिडेट्स आर एप्लीकेबल। तो अगर किसी का कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है, तो मतलब कॉमर्शियल प्लेन का कोई पायलट अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 जुलाई 1994 से लेकर 1 जुलाई 2000 तक होना चाहिए, इसके अंदर अगर हुआ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स रहेगा। तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो है पायलट और ऑब्जर्वर के लिए डिस्टेंस विजन आई साइट का है और हाइट एंड वेट का है। तो पायलट और ऑब्जर्वर के लिए डिस्टेंस विजन है 6x6 और 6x9, और करेक्टेबल हो सकता है 6x6 और 6x6 तक, और कलर ब्लाइंड नॉट एप्लीकेबल।
और हाइट का जो केस है उसमें 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ATC के लिए आपका डिस्टेंस विजन सेम है 6x9 और करेक्टेबल हो सकता है 6x6 एंड 6x6। कलर ब्लाइंड इज नॉट एप्लीकेबल एंड ऑल्सो नाइट ब्लाइंड। और मेल का जो हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर, फीमेल का 152 सेंटीमीटर। और इधर देखिए टैटू का बात देखिए, परमानेंट बॉडी टैटूज इधर लिखा है कि नॉट एप्लीकेबल, बट फिर इधर देखिए, और हाँ ट्राइबल एरिया का जो है वो लोग उसके लिए छूट है टैटू का, मगर इधर देखिए अभी ट्रेंड हो चुका है टैटू। तो अगर आपका टैटू इनर फेस ऑफ फ्रंट मतलब आपका एल्बो से लेकर रिस्ट तक अगर टैटू है वो भी ऑपोजिट साइड ऑफ योर पाम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए ATC कैंडिडेट्स के लिए कुछ छूट है, मतलब कुछ एरिया का लिए छूट है, जैसे कि ट्राइबल एरियाज ऑफ लद्दाख रीजन उसके लिए आपका हाइट का एक छूट है, गोरखास नेपालीस के लिए हाइट का छूट है, अंदमान निकोबार द्वीपपुंज भूटान एंड सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए हाइट का कुछ छूट है, तो ये देख लीजिए। और अब अभी चले जाते हैं पे स्केल के बारे में, जो सब लेफ्टिनेंट का जो पे स्केल है वो आपका 56,100 से लेकर 177,500 तक है, और लेवल है 10। लेफ्टिनेंट का है 61,300 टू 193,900। लेफ्टिनेंट CDR का है 69,400 टू 213,400। कमांडर के है 121,200 टू 212,400। मतलब बहुत ही अच्छा रैंक है। तो आप जब फर्स्ट रिक्रूट हो गए तो आप सब लेफ्टिनेंट के एज ए सब लेफ्टिनेंट आपको रिक्रूट किया जाएगा, और तब आपको सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होगा 56,100। तो बहुत ही अच्छा सैलरी है। तो प्रिविलेज आपको सब मेडिकल कैंटीन फैसिलिटीज सब कुछ मिलेगा, मेस क्लब जैसे कि होता है, इंश्योरेंस मिलेगा आपको, LTC मिलेगा, और साल में 60 डेज का आपको अर्निंग लीव्स एंड 20 डेज का कैजुअल लीव मिलेगा, मतलब टोटल 80 डेज का लीव मिलेगा। स्पोर्ट्स और एडवेंचर का अगर आप शौकीन है तो आप बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि नेवी में आपका बहुत सारा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होता है, मेनली एडवेंचर एक्टिविटीज होता है, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, हॉट एयर बैलूनिंग, हैंड ग्लाइडिंग, वाइंड सर्फिंग एटसेट्रा आप कर सकते हैं। तो अभी आते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन, जैसे कि मैंने पहले बोला कि इसके बारे में बाद में बात करते हैं, तो अभी चलिए करते हैं कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब 10 साल का आपका टेन्योर है, आपका जॉब 10 साल के लिए एकदम सिक्योर है, मगर 10 साल के बाद आपका जॉब एक्सटेंड कर भी सकता है, जैसे कि मैक्सिमम 4 साल तक आपका जॉब एक्सटेंड कर सकता है, मतलब मैक्सिमम आपका जो जॉब का टेन्योर होगा वो 14 इयर्स तक हो सकता है। सो दैट्स इट। अब सिलेक्शन प्रोसीड्यूर देख लीजिए, तो अभी सिलेक्शन प्रोसीड्यूर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको SSB इंटरव्यू के लिए वो लोग बोलेगा, जो कि होगा आपका नवंबर से लेकर मार्च 19 तक वो बैंगलोर फॉर पायलट एंड ऑब्जर्वर कैंडिडेट्स, एंड ATC कैंडिडेट्स के लिए होगा बैंगलोर, भोपाल, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता पे। तो ये जो SSB इंटरव्यू है ये टोटल 5 दिन का होगा। अगर आपको आप किसी भी स्टेज में आपको निकल दिया जाता है तो आपको तुरंत वापस आ जाना होगा, और आप ये इंटरव्यू के लिए आपको AC 3 टायर का मतलब फर्स्ट क्लास रिटर्न टिकट और जाने का आने का दोनों ही टिकट आपको मिलेगा। तो अभी उसके बाद सिलेक्शन के बाद आपका ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग आपका 3 महीने का लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा, और ट्रेनिंग होगा आपका इंडियन नेवल अकेडमी इझीमाला में। तो पायलट एंट्री के लिए आपका टोटल ट्रेनिंग होगा 22 वीक्स, ऑब्जर्वर एंट्री के लिए आपका टोटल ट्रेनिंग होगा 22 वीक्स, एंड ATC के लिए भी टोटल ट्रेनिंग होगा 22 वीक्स, मतलब सब पोस्ट के लिए आपका टोटल ट्रेनिंग होगा 22 वीक्स। उसके बाद आपको रिक्रूट किया जाएगा, जैसे कि पायलट एंट्री को आपको विंग्स अवार्ड दिया जाएगा, ऑब्जर्वर ट्रेनिंग को आपको ऑब्जर्वर विंग्स अवार्ड दिया जाएगा। तो अगर आपको आप ट्रेनिंग चलने के टाइम पे अगर आप शादी कर लेते हैं तो आपको ट्रेनिंग से सस्पेंड किया जाएगा, और अगर आप ट्रेनिंग करने के टाइम पे अगर आप छोड़ के आ जाते हैं तो आपको एक पैसा देना पड़ेगा, मतलब जो खर्चा गवर्नमेंट आपके ऊपर करेगा वो पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। ये सब एकदम देख लीजिए। तो अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट में जाना पड़ेगा, वो अप्लाई करने का लास्ट डेट है 14 सितंबर। आप मेरे वेबसाइट से डायरेक्ट आ सकते हैं, जैसे कि मैं दिया हूँ, आप मेरे वेबसाइट पर आ जाइए और यहाँ पर क्लिक कीजिए तो डायरेक्ट आपका एप्लीकेशन का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। सो दैट्स इट गाइस,
जिसका जिसका रिक्वायरमेंट मैच कर रहे जाइए अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत ही अच्छा सैलरी है, सो बेस्ट ऑफ लक। यही बोलना था इस वीडियो में, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो फॉर द अदर एस्पिरेंट, शेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट द अदर पीपल नो अबाउट दिस नोटिफिकेशन एंड कमेंट फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेरी, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव द आंसर ऑफ दैट कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जॉइन दिस फैमिली, आई विल पोस्ट दिस टाइप ऑफ वीडियो ऑलमोस्ट एवरी डे, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।